वेलकम स्टूडेंट्स, बीए पार्ट टू आपके कोर्स में ये टूल्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस है ना, आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम हो रही है उसको समझने में. वह टूल्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस दरअसल इतना बड़ा टॉपिक है, इतना लेंदी है कि उसको एक में समेट पाना बहुत मुश्किल है. और मेनली जो दो टूल्स बहुत पॉपुलर हैं इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए, स्टैनफर्ड बिने टेस्ट एंड वेशलर स्केल है ना, वो दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन वन बाय वन, क्योंकि स्टैनफर्ड बिने अपने आप में बहुत बड़ा है और वेशलर स्केल भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक बन जाता है. तो जो स्टैनफर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट या स्टैनफर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, डिस्कस करेंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से भी है कि आगे भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, एजुकेशन का, नेट वेट का एग्जाम देते हैं, तो उसमें बहुत छोटे छोटे सवाल स्टैनफर्ड बिने वाले टेस्ट से पूछते हैं, बिकॉज ये फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग है और बहुत सारे सवाल इसे बनते हैं. और अभी भी आज भी हम लोग कई सवाल इसके गलत जवाब देते हैं. तो देखते हैं क्या है स्टैनफर्ड बिने. ये कह रहे हैं कहां से शुरू करें, मतलब यहां से शुरू करते हैं. द स्टैनफर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल्स और मोर कॉमनली द स्टैनफर्ड बिने, है ना, सिर्फ स्टैनफर्ड बिने भी इसको कहते हैं, इज एन इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, है ना, यानी कि ग्रुप टेस्ट नहीं है. जब आप टेस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ टेस्ट होते हैं ग्रुप टेस्ट, यानी ग्रुप पे एडमिनिस्टर किए जाएंगे, कुछ होते हैं इंडिविजुअल, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को के ऊपर अलग से एडमिनिस्टर किया जाएगा, है ना. तो ये एक इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट है दैट वाज रिवाइज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल बिने साइमन स्केल, यानी कि सबसे पहले बिने साइमन ने इसको बनाया था, जो कि रिवाइज करने के बाद अब स्टैनफर्ड बिने हो गया है. और रिवाइज किसने किया है, रिवाइज फ्रॉम द ओरिजिनल बिने साइमन स्केल बाय लुईस टर्मैन. तो ये सब बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बनते हैं, जैसे कि ओरिजिनल स्केल क्या था, तो बिने साइमन हो जाएगा, स्टैनफर्ड बिने हो जाएगा, टर्मैन बिने हो जाएगा, टर्मैन साइमन हो जाएगा, तो आपको टिक करना है बिने साइमन, है ना. तो ओरिजिनल स्केल बिने साइमन है, रिवाइज किसने किया है, लुईस टर्मैन ने किया है, अब क्या नाम हो गया है, स्टैनफर्ड बिने नाम हो गया है. फिर लुईस टर्मैन खुद कौन है, ए साइकोलॉजिस्ट एट स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी. हम लोग जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी का उसमें बहुत योगदान आता है, बहुत वहां के प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट ने एजुकेशन और एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में योगदान दिया है. तो लुईस टर्मैन जो कि साइकोलॉजिस्ट थे स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ओरिजिनल बिने साइमन को रिवाइज करके स्टैनफर्ड बिने बनाया, ठीक. फिर द स्टैनफर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल इज नाउ इन इट्स फिफ्थ एडिशन एंड वाज रिलीज्ड इन 2003. आप लोग जब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे तो आप जानेंगे वो समय समय पर रिवाइज होता है. क्यों रिवाइज होता है, क्योंकि अब इसके पीछे दूसरा तथ्य है कि हमारा सैंपल बदल जाता है, नॉर्म्स बदल जाते हैं धीरे धीरे. अब ये भी समझ में आ रहा है कि हम लोग, मतलब इंटेलिजेंस लेवल जो है इन जनरल, अगर मान लीजिए हमारा 12 साल तक के बच्चे हैं तो उनका पिछले, अगर हम 50 साल पहले के 12 साल के बच्चों का आईक्यू लेवल देखें तो उसे थोड़ा बहुत इंक्रीज कर गया है. उसके पीछे रीजन ये है कि इतना इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन है, इतनी जानकारी है, फ्लडेड बाढ़ आई हुई है जानकारी की, तो वो सब भी फैक्टर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को लिटिल बिट इंक्रीज करने में सहायक है. इसलिए हमें समय समय पर रिवीजन करना पड़ता है, कल्चर के हिसाब से, समय के हिसाब से, कोई रिवोल्यूशन आ गया उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा. तो ये जो है इसका फिफ्थ एडिशन है जो कि 2003 में रिवाइज हुआ है. फिर इट इज अ कॉग्निटिव एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट दैट इज यूज्ड टू डायग्नोज डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसीज इन यंग चिल्ड्रेन. मतलब कौन सा टेस्ट है, ये बुद्धि का परीक्षण करेगा और हमारी संज्ञानात्मक जो क्षमता है उसका परीक्षण करेगा, और ये पता क्या लगाएगा कि अगर किसी में कोई इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी है या कोई डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी, यानी कि विकास की दशा में अगर हम कोई कमी रह गई या बुद्धि के क्षेत्र में, यानी कि कोई नर्वस सिस्टम में या कोई इस तरीके की दिक्कत हो गई, तो उन सबका पता लगाने के लिए है ये टेस्ट. अच्छा, फिर सॉरी, द टेस्ट मेजर्स फाइव वेटेड फैक्टर्स एंड कंसिस्ट ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल सब टेस्ट, है ना. ये आप इतना खुद पढ़िए कि टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट. तो जब वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट की बात आती है तो वर्बल का मतलब जहां भाषा का प्रयोग किया जाएगा और नॉन वर्बल का मतलब जहां भाषा का प्रयोग नहीं करने की जरूरत पड़ती है. तो ये टेस्ट जो है वो 5 सब टेस्ट से बना है जिसमें कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है. फिर द फाइव फैक्टर्स बीइंग टेस्टेड आर, जो 5 कारक हैं जिनको ये टेस्ट करता है वो कौन कौन से हैं, नॉलेज यानी आपका ज्ञान की परीक्षण किया जाएगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जैसे सवाल हो, मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन हो जहां पे, विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग जिसमें सवाल होते हैं ना
कि एक व्यक्ति चला अपने घर से, वो 10 किलोमीटर दक्षिण गया, फिर वो 5 किलोमीटर उत्तर गया, फिर वो लौट के फिर पूरा पश्चिम गया, ऐसे। यानी कि यहाँ पे आपको स्पेस और की प्रोसेसिंग का निरीक्षण करना है। तो विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी, कैसे हम, कितना हमारा स्मृति मजबूत है, कैसे हमारी वर्किंग मेमोरी। अब इसमें आ जाएगा तो मेमोरी भी कई तरीके की है, वर्किंग मेमोरी, नॉन वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो साइकोलॉजी का क्षेत्र बहुत व्यापक है और बहुत बहुत कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत है, और इतने सालों से पढ़ते पढ़ाते भी हम लोग अभी बहुत कुछ नहीं जानते इसमें। एंड फ्लूइड रीजनिंग, देखो रीजनिंग को भी फ्लूइड रीजनिंग है। हम लोग जब इंटेलिजेंस पढ़ते हैं तो इंटेलिजेंस में जो कैटल का क्लासिफिकेशन है वो बताता है फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस वो होती है जो यंग लोगों में होती है, मतलब जिनमें जो नवीनीकरण कर सकते हैं, जो चेंज कर सकते हैं समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, इस तरीके की बात है फ्लूइड। वैसे भी फ्लूइड का मतलब क्या है, जो बह रहा है। बहने का मतलब क्या है, तरल। तरल का मतलब क्या है, जो जिस दिशा में, हम कहते हैं ना पानी को जिसमें रखो उसी का रूप रंग ले लेता है, मतलब एडेप्टेशन, ये फ्लूइड है। और क्रिस्टलाइज्ड कहा जाता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी फ्लूइड रीजनिंग कम होती जाती है और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है हमारी बढ़ती जाती। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बेस्ड किस पे है, अनुभव पे, और समय के साथ अनुभव बढ़ रहे हैं। तो सवाल, अगला सवाल ये बन जाएगा कि जो आपका स्टैनफर्ड बिने है वो कौन से 5 कारक नाप रहा है, या वो पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा कारक है जो स्टैनफर्ड बिने नहीं नापता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 कारक नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी और फ्लूइड रीजनिंग है, ठीक है। फिर है द डेवलपमेंट ऑफ द स्टैनफर्ड बिने इनिशिएटेड द मॉडर्न फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ एन अडैप्टिव टेस्ट, है ना। अडैप्टिव टेस्ट मैंने कहा ना कि हमको अडैप्ट करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे पिछले एक साल में इतना कुछ हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बिजनेस, हमारा कॉमर्स, सब कुछ चेंज हो गया, तो अब निश्चित रूप से जो साइकोलॉजिकल टेस्ट, हमको कुछ ना कुछ उसमें अडैप्टेशन करना पड़ेगा, उसमें कुछ डिजिटलाइजेशन, कुछ ऑनलाइन चीजें लानी पड़ेंगी, तभी वो समय के अनुरूप होगा। तो ये जो स्टैनफर्ड बिने टेस्ट है वो हमारा एक तरीके से पहला एग्जाम्पल है अडेप्टिव टेस्टिंग का। फिर द टेस्ट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, क्यों? क्योंकि जो अल्फ्रेड बिने साहब थे वो फ्रांस के थे, फ्रेंच थे वो। देन वॉज रिवाइज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर मतलब बना फ्रांस में, रिवीजन इसका यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। इट वॉज इनिशियली क्रिएटेड बाई द फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बिने, ना, क्योंकि अल्फ्रेड बिने साहब जो है वो फ्रेंच हैं। Who following the introduction of a law mandating universal education by the French government began developing a method of identifying slow children so that they could be placed in special education programs। मतलब समझ में आ रहा है कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, उसने कहा यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी कि सबको शिक्षा दी जाएगी। तो इनसे कहा गया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने इनसे कहा, अल्फ्रेड बिने साहब से, कि आप एक ऐसा, अब हमको मतलब वो फिल्टर बना दीजिए ना, जिससे हमको पता चल जाए कि कौन से बच्चे हैं जो कहीं डेफिशिएंसी है, किसी तरीके की इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव डेफिशिएंसी उनके साथ है, तो हम उनको स्पेशल एजुकेशन में इनरोल कराएंगे, और बाकी बच्चे जिनका आईक्यू लेवल एवरेज और एवरेज से अबव है उनको हम नॉर्मल स्कूलिंग कराएंगे। तो ये इसका रीजन था कि स्लो चिल्ड्रन का आइडेंटिफिकेशन, इसलिए ये बनाया गया, ठीक। इंस्टेड ऑफ लेबल्ड सिक एंड सेंट टू द असाइलम, यानी कि उन बच्चों को फ्रांस की गवर्नमेंट ने, तब ये आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, अल्फ्रेड बिने साहब ने 1905 में बनाया, यानी कि 1900 में, यानी कि लगभग क्या 100-120 साल पहले ये बात फ्रांस में चल रही थी कि जो बच्चे डेफिशिएंट हैं, इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंसी जिनके साथ है, उनको हम असाइलम या सिक नहीं करा देंगे, असाइलम में नहीं भेज देंगे, बल्कि उनके लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे। इसके लिए इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि एक ये ऐसा टेस्टिंग बना दें जिसको बच्चों पर एडमिनिस्टर किया जाए, और एक कट ऑफ से जो बच्चे कम रह जाएंगे उनको स्पेशल एजुकेशन में भेज देंगे, बाकियों को नॉर्मल स्कूलिंग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। फिर एज बिने इंडिकेटेड, केस स्टडीज माइट बी मोर डिटेल्ड एंड हेल्पफुल, बट द टाइम रिक्वायर्ड टू टेस्ट मैनी पीपल वुड बी एक्सेसिव। इन 1916 एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द साइकोलॉजिस्ट लुइस टर्मैन रिलीज्ड अ रिवाइज्ड एग्जामिनेशन दैट बिकेम नोन एज द स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। यही कह रहे हैं कि 1905 में पहला अल्फ्रेड बिने साइमन बना, फिर 1916 में टर्मैन साहब जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे उन्होंने इसमें रिवाइजन किया, और फिर ये स्टैनफोर्ड बिने कहलाने लगा। अब कंटेंट्स की बात है कि क्या क्या है इसमें, मतलब ये, अच्छा सॉरी, ये तो मैंने चूंकि नेट से लिया है ना ये मैटर, इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। रिलायबिलिटी वाली जिसको मैं आपको बताती हूँ, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट देखो, एज डिस्कस्ड बाय फेंचर एंड रदरफोर्ड इन 2012, द स्टैनफोर्ड बिने इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द बिने साइमन। ये तो हम लोग को पता चल गया, ये भी पता चल गया। अच्छा,
फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बिने और उनके स्टूडेंट थे थियोडोर साइमन, जिन्होंने मिलकर इसको बनाया, यानी कि बिने साइमन, बिने साहब टीचर हैं, साइमन साहब उनके स्टूडेंट हैं और उन दोनों ने मिलकर इसको बनाया। फिर इसको बाकी इसमें जो है वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं जो समझाने वाला है। अच्छा ये देख लो, ये अभी मैं एक एग्जाम मतलब एग्जाम के असाइनमेंट करी थी, उसमें सवाल था स्टैनफर्ड बिने, देखिए आपका ये मैंने पहले पढ़ा दिया होता तो मेरा वो सवाल सही हो जाता, उसमें था कि स्टैनफर्ड बिने स्केल इज मतलब कि उसमें किस तरीके के आइटम है, आइटम्स कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें था एबिलिटी ग्रेडेड, एज ग्रेडेड, इस तरह से, और मैंने एबिलिटी वाले को टिक कर दिया था जबकि वो एज ग्रेडेड है, यानी कि जो ये स्केल बनाया गया है वो एज के हिसाब से बनाया गया है। देखो ये इसमें लिखा हुआ है और वो उस वक्त मुझे नहीं समझ में आया, वो कह रहे हैं कि टू क्रिएट देयर टेस्ट बिने एंड साइमन फर्स्ट क्रिएटेड ए बेस लाइन ऑफ इंटेलिजेंस, सबसे पहले उन्होंने एक इंटेलिजेंस की बेस लाइन तैयार की। ए वाइड रेंज ऑफ चिल्ड्रेन वर टेस्टेड ऑन ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ मेजर्स इन एन एफर्ट टू डिस्कवर अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब ऐसे ही नहीं बन गया टेस्ट, बहुत सारे बच्चों पे टेस्टिंग की गई और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उन्होंने माना नापा निकाला कि ये जो है वो क्लियर इंडिकेटर, यानी कि अगर ये है बच्चे में तो वो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट है, ये कुछ इंडिकेटर्स उसके आइडेंटिफाई किए। फिर फेलिंग टू फाइंड अ सिंगल आइडेंटिफायर ऑफ इंटेलिजेंस, वो लोग क्योंकि आप अभी भी जानते हैं इंटेलिजेंस बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कंसेप्ट है, और आप ये नहीं कह सकते कि फला एक अगर ये चीज है तो आप इंटेलिजेंट हैं और नहीं तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो लोग भी एक सिंगल आइडेंटिफायर नहीं ढूंढ पाए। तो क्या किया उन्होंने, बिने एंड साइमन इंस्टेड कंपेयर चिल्ड्रन इन ईच कैटेगरी बाई एज, तो उन्होंने क्या किया एज वाइज बच्चों को कंपेयर करना शुरू किया। सॉरी द चिल्ड्रंस The children's highest levels of achievement were sorted by age and common levels of achievement considered the normal level for that age. यानी कि बच्चों पे उन्होंने टेस्ट किया तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट आया, जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया, उसको एज वाइज इन्होंने क्लासिफाई कर लिया, और कॉमन लेवल्स ऑफ अचीवमेंट कंसिडर्ड द नॉर्मल लेवल फॉर दैट एज, और जो नॉर्मल उन्होंने अचीव किया उसको उस लेवल के लिए, मतलब जैसे मान लो 5 से 10 साल के बच्चों पे वो टेस्टिंग कर रहे हैं, तो 5 से 10 में जिसने सबसे अच्छा स्कोर किया उसको उन्होंने 10 के पास कर दिया, और जिसको जिसने नॉर्मल स्कोर किया उसको उन्होंने कहा कि 5 से 10 तक के बच्चे, 5 से 10 साल तक के बच्चे नॉर्मली इतना स्कोर करते हैं, ठीक। Because this testing method merely compares a person's ability to the common ability level of others their age, the general practices of the test can easily be transferred to test different populations even if the measures used are changed. कह रहे हैं कि इसीलिए हम different population पे भी इसको use कर सकते हैं अगर वो same scale, same age scale के हों तो। अच्छा, बाकी इसको आप पढ़ लीजिए अपने से, ठीक है, इसमें कुछ ऐसी बात बताने नहीं, ये बता रहे हैं कि ओरिजिनल टेस्ट जो 1905 में था उसमें क्या क्या था, तो ये हमको अब जानने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग 2020 में चल रहे हैं, बस एक जनरल आप इसको सरसरी तौर पे देख लीजिए कि क्या चीज है, क्योंकि तब से अब तक के आइटम्स में बहुत चेंज आ गया है। फिर हिस्टोरिकल यूज, ठीक है। अच्छा एक ये और चीज जानने की, IQ, ये कह रहे हैं कि वन हिंड्रेंस टू वाइड स्प्रेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेस्ट इज इट्स यूज ऑफ ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेजर्स इन एन एफर्ट टू सिंप्लीफाई द इन्फॉर्मेशन गेन्ड फ्रॉम द बिने साइमन टेस्ट इनटू ए मोर कॉम्प्रिहेंसिबल एंड इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर्म, जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न क्रिएटेड द नाउ वेल नोन इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अब IQ पे बहुत सवाल आता है और हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब मैं तो अभी तक हो जाती हूँ कि IQ जो है वो टर्मन का कंसेप्ट है कि स्टर्न का कंसेप्ट है, तो आपको याद रखना है कि IQ जो है वे विलियम स्टर्न जो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये टर्म कॉइन किया, और आपको ये पता होगा कि IQ का फॉर्मूला क्या होता है, MA अपॉन CA इनटू 100, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। फिर ये कह रहे हैं कि टर्मन ने इनके आइडिया को ग्रेस्प कर लिया, और इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा है, और इसको अपने उसमें यूज कर लिया। ठीक, अब मैं इसको बंद कर रही हूं बिकॉज बहुत शोर हो रहा है तो आप इसको समझने में दिक्कत होगी। चलिए, तो फिलहाल आप इतना जान गए कि ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा मैटर है इसका, मैं PPT नहीं बना पाई, टाइम मिलेगा तो बनाऊंगी। ये देखो 1905 ये है स्टैनफर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल का 5वां एडिशन, क्या कब आया मैंने कहा ना 2003 में आया। फिर उसके बाद ये कौन से 5 फैक्टर हैं, फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग एंड वर्किंग मेमोरी। ये सब कुछ 5th एडिशन। अच्छा 5th एडिशन, इसकी रिलायबिलिटी कितनी है,
वैलिडिटी कितनी है, है ना। ठीक, चलिए तो आपका ये क्लियर हो गया कि बिने साइमन, हाँ बिने साइमन जो है वो ओरिजिनल स्केल है जो 1905 में बना है, फिर रिवाइज होके स्टैनफोर्ड बिने हो गया 1916 में, और इसका पांचवा एडिशन 2003 में आया है जो कि रिसेंटली चल रहा है ना। और ये जो जो है हमारा वो पांच फैक्टर्स को नापता है, नॉलेज, वर्किंग मेमोरी, फ्लूइड रीजनिंग और क्या था, नॉलेज, वर्किंग मेमोरी, फ्लूइड रीजनिंग और कुछ था ना, जो दो और हैं आप देख लीजिएगा उसको, उनको नापता है, वर्बल और नॉन वर्बल सब टेस्ट से मिलकर बना है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि किसी एक टूल को डिस्कस कीजिए इंटेलिजेंस नापने के किसी एक टूल को, तो आप स्टैनफोर्ड बिने को डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, और अगले उसमें अगली स्लाइड में मतलब अगले वीडियो में मैं आपको वेशलर स्केल समझा दूंगी, और फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो स्टैनफोर्ड बिने और वेशलर को एक में कंबाइन भी कर दूंगी, क्योंकि बहुत इसमें छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं, बहुत सवाल बनते हैं, तो इसको आप हमेशा याद रखिए, आपके हमेशा काम आएगा। ठीक, चलिए।